हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और यहाँ पे देखिए, बहुत छोटी सी मैंने एक ख़रीदारी की है। अभी गार्डन में जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो मैं लेके आई हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये देसी वाले रेन लिली वाइट कलर के मेरे पास नहीं था, पिंक कलर का था रेन लिली, ये वाला नहीं था, तो ये मैंने ले लिया है। और ये पौधा मुझे पड़ा है 50 रुपये में, और बहुत ज़्यादा इसमें अभी बहुत घना नहीं है, 3 बल्ब होंगे। 3 बल्ब से इस तरीके से देखिए ये पौधे निकले हुए हैं, लेकिन ये अगले सीज़न तक पूरा पॉट कवर कर लेगा। बहुत तेज़ी से ये पौधा बढ़ता है। और यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरीके के छोटे छोटे से पौधे लिए हैं, बैंगन के पौधे हैं, 3 गोल वाले बैंगन हैं और 3 ये वाइट वाले हैं। हर बार लगभग देसी ही वाले प्लांट मैं लगाती हूँ। पिछले बार वही लगाया था, देसी वाले ही सब्जियों के प्लांट पौधे लगाए थे या बीज से ग्रो किया था। इस बार देखिए, ये पौध लेके आई हूँ मैं, और बैंगन के हैं ये पौध। एक इसमें गोल वाले बैंगन हैं और एक ये सफ़ेद वाले हैं, तो 3-3 पौधे हैं दोनों के। और ये मिर्च का पौधा है, तो 5 पौधे ये हैं। ये सभी 10-10 रुपये में मुझे मिले हैं। और इस तरीके से मैंने पॉट लिया है, नर्सरी पॉट छोटे साइज़ का, ये 4 इंच का होगा, 4 इंच का भी नहीं होगा, मुश्किल से 3 इंच के लगभग होगा। और ये मैंने 20 पॉट लिए हैं इस तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पौधे मेरे गार्डन में तैयार हो गए हैं कटिंग से, तो उनको जब मिट्टी में शिफ्ट करूँगी तो इस तरीके के छोटे पॉट सही होते हैं। कभी कभार जब हम नए पॉट में शिफ्ट करते हैं छोटे प्लांट्स को, नई रूट्स उसमें बनी होती हैं, तो अगर पॉट बड़ा है तो मिट्टी भी उसमें ज़्यादा आती है, और कहीं ना कहीं कभी कभार पानी ज़्यादा होने की वजह से जो हमारी कटिंग होती है वो ख़राब हो जाती है। इस तरीके के छोटे पॉट में हम अगर कटिंग्स लगाते हैं तो बहुत ही ईजिली पौधे चल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, नीम खली ली है, और ये नीम खली 60 रुपये की पड़ी है लगभग। ये शायद 1 kg नहीं है, ये 1 किलो से ये कम ही लग रहा है। और इस तरीके के देखिए बोनसाई पॉट मैंने लिए हैं 6, और काफ़ी पौधे अभी तैयार हो रखे हैं फाइकस के मेरे पास, तो उनको इस ट्रे में मुझे शिफ्ट करना है। और बोनसाई तैयार करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा तो मैं बोनसाई बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, अभी सीख ही रही हूँ, और कुछ उस तरह के पौधे मैं तैयार भी कर लिया है मैंने, और अभी जो पौधे हैं उनको इसमें शिफ्ट करना है। तो 6 पॉट ये मैंने लिया है, और ये 50-50 रुपये में 1 पॉट पड़ा है मुझे। और यहाँ पे देखिए, मैंने 1 बॉटल ह्यूमिक एसिड का लिया है। और जब पत्तियाँ वगैरह कर्ल होती हैं, हिबिस्कस के प्लांट पे काफ़ी अच्छा काम करता है ये पौधा ह्यूमिक एसिड का। और पत्तियाँ अगर पीली पड़ रही हो या कर्ल हो रही हो, तो या पीलापन ज़्यादा हो, पत्तियाँ गिर रही हो, ग्रोथ आपको कम दिख रही हो पौधों में, तो आप इनको जड़ों में भी दे सकते हैं और इनका छिड़काव भी कर सकते हैं अपने पौधों पर। और एक ये मैंने लिया है, सीविड लिया है, और ये जो है ग्रेनुअल फॉर्म में है सीविड इस बार। पिछली बार मैं जो है लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर रही थी, इस बार ग्रेनुअल फॉर्म में लेके आई हूँ, और इनको पौधों पे यूज़ करके देखूँगी कि इनका रिज़ल्ट कैसा होता है। और ह्यूमिक एसिड कभी कभार मैं डाल देती हूँ पौधों में, जिन पौधों की ग्रोथ मुझे अच्छी नहीं दिखती है या बहुत ज़्यादा पत्तियाँ कर्ल हो जाती हैं। तो ये थी फ्रेंड छोटी सी ख़रीदारी, और अगर ये ख़रीदारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।